गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने सुबह आपको चिंतामणि गणपति यानी चिंता को हरण करने वाला और पीढ़ियों तक काम आने वाला गणपति मंत्र बोला हूँ, जो ये 3 दिन में उस सौमाला को पूर्ण करते हैं और मुझसे दीक्षा ले लेते हैं और गणपति को स्थापन करते हैं, उनके घर में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि हम चिंताग्रस्त इसलिए हैं कि कल क्या होगा, इससे अपने को चिंता बहुत बड़ी रहती है। और इसलिए मैंने आपको उस चिंतामणि गणपति का विशेषता विशेषकर बोलते हुए भी मैंने आगे किया। सही बात तो ये है कि हम चिंताग्रस्त तो है ही, निकलने से पहले यहाँ से जहाँ जब तक गुरु जी के पास इस शिविर में बैठे हुए हैं, चिंताएं गेट के बाहर है। जैसे ही यहाँ से गेट पार करेंगे चिंताएं फिर हावी हो जाएगी। अपने को बीवी है, बच्चे हैं, नौकरी है, ये सारी चीजें अपने पीछे पड़ी हुई। क्या इसके पीछे हम क्या समझते हैं कि हमारे पास किसके कारण ऐसा होता है, ये चिंताएं हमें क्यों सताती है? ये हमें ही सताती है और औरों को भी है। तो मैं कहता हूं ये चिंताएं देवताओं को भी छोड़ दी नहीं, देवताओं को भी चिंताएं लगी हुई है। एक बार ऐसा ही हुआ, भगवान इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, प्रभु ये क्या है, स्वर्ग में रहता हूं, अप्सराओं के साथ सारे सुख है, सब लोग यहां से चाहते हैं कि स्वर्ग को जाएं, हम स्वर्ग को गए तो अच्छा है, सुख सौभाग्य सब मिलता है, ये कहते हैं। लेकिन उसके स्वर्ग के अधिष्ठात्रा स्वयं इंद्र परेशान, इंद्र ब्रह्मा के पास गए और बोले कि प्रभु क्या बताऊं, हर बार कोई ना कोई राक्षस बहुत तपस्या करके आता है और आता है तो पहले मेरे ऊपर ही आक्रमण करता है, पहले अटैक इंद्र पर होता है, उसको स्वर्ग चाहिए होता है और मेरा स्वर्ग वो छीन लेकर ले जाता है, हर बार यही हुआ। ऐसा कुछ उपाय बताओ कि मेरे स्वर्ग पर ये लोग आक्रमण ना कर सके, ऐसा कुछ उपाय बताओ कि मैं इस स्वर्ग में सुख के साथ रहूं। यहां भारत में बहुत सारे लोग ऋषि मुनि अपने देवताओं की तपस्या करते हैं, ये कहते हुए कि मरने के बाद मेरे बाप को स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्गवासी कहला जाता है। अरे सारे स्वर्ग के लोग तो भागे जा रहे, फिर ये स्वर्ग किस बात का, कौन सा स्वर्ग चाहते हैं, कोई नर्क नहीं चाहता, हर एक आदमी मरा के स्वर्गवासी कहते हैं। अब वो स्वर्ग को जाता है नहीं जाता है बात की बात, लेकिन कहते तो स्वर्गवासी है। स्वर्ग में सुख है, स्वर्ग में सुख प्राप्त हुआ है और उस स्वर्ग के अधिष्ठात्रा जो भगवान इंद्र जी है वो कभी भी किसी के राक्षस किसी राक्षस के तपस्या के कारण हो, किसी शाप के कारण हो, वो हर बार अपने पद को छोड़कर भागते हुए नजर आए। ऐसा क्यों हुआ? और भगवान इंद्र कहते हैं कि मैं देवताओं का राजा हूं, यहां सब लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग को प्राप्त करें, फिर भी मैं ही भाग जाता हूं तो उस स्वर्ग में आने वालों का क्या, वो स्वर्ग में आने वालों का कौन सा सुख अनुभव करेंगे? तो हे ब्रह्मा जी कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं यहां से भाग खड़ा ना हूं। अब भगवान इंद्र बोले मैं तुझे क्या बताऊं कि उसमें क्या होता है, हर बार ऐसा होता है कि तेरे स्वर्ग का ये स्वर्गवासी रोज लोग जितने भी आते हैं वो लोग यहां से आके स्वर्ग में आ गए तो तेरा स्वर्ग जो है नित्य बढ़ता चला जा रहा है। बोले बढ़ता चला जा रहा है, मैं क्या करूं, आपकी तपस्या से हुआ, वो लोग आ रहे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें क्या है, ऋषि मुनि आए, देवता आए और मनुष्य आए, जो भी जिन्होंने भी अच्छा काम किया वो लोगों को स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा कहते हैं कि हे इंद्र मैंने तुझे जो स्वर्ग प्रदान किया था उस स्वर्ग में पारिजात वृक्ष था, उस स्वर्ग में अमृत था, उस स्वर्ग में असुराएं थी, उस स्वर्ग में तपस्या करने वाले ऋषि थे, उसमें तुम्हारे गुरु बृहस्पति थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, लेकिन इंद्र तुम समझ नहीं सके। क्या समझता था? तो एक बार क्या हुआ, अप्सराओं का नृत्य हो रहा है और इंद्र बैठे हुए हैं, बहुत जोर शोर से सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, आनंद हो रहा है ऐसा ही। उतने में बृहस्पति इंद्र देवताओं के गुरु है वो आए, तो इंद्र इतना लीन था कि इंद्र को देखकर भी अनदेखा किया और अपना काम अपन नृत्यों को देखता रहा। बृहस्पति एक मिनट के लिए देखे और वे पलट कर चले गए। पलट के चले जाने के बाद क्या हुआ, वो सारी सभा कलाविहीन हो गई,
तो इंद्र ने देखा कि कलाविहीन क्यों गए, नृत्य करने वाले थक गए, जैसे ही थे वैसे ही अटक गए, सब लोग हुआ तो इंद्र परेशान हो गया कि क्या हुआ। तब इंद्र को पता चला कि मेरे गुरु आए थे बृहस्पति और वो वहां से लौट कर चले गए। अब फिर उनको कैसा, वो फिर इंद्र वहां से भागे मनाने के लिए। जैसा ही इंद्र बृहस्पति के घर पहुंचे, बृहस्पति वहां से गायब हो गए। वो इंद्र को देखना नहीं चाहते थे, जिसने अपमान किया अपने गुरु का, मैं उसके घर क्यों जाऊं। अब भागते भागते इंद्र अपने गुरु को ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा के पास गए और कहा कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मेरे से गलती हो गई, मैंने मेरे गुरु का अपमान किया है, मेरे गुरु का अगौरव किया है, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरा स्वर्ग कलाविहीन हो गया है, मेरे स्वर्ग में कोई किसी को शक्ति नहीं है, सब कुछ था वो लुट गया, आप कुछ भी करो। ब्रह्मा ने कहा हे इंद्र, ये बार बार का ऐसा होने का कारण ये है कि तेरे पास जो प्रजा जम रही है, प्रजा जो आ रही है नीचे से स्वर्ग को आ रही है, वो जहां जहां तहां बैठ जा रहे हैं। स्वर्ग को मैंने एक सीमा में बांध कर रखा था, एक सीमा में उसका स्वर्ग का एक स्वर्ग की एक सीमा थी, उसमें बांध के रखा था, उसमें कुछ स्तंभ थे, उसमें अप्सराएं थी, अप्सराओं को रहने का, देवताओं को रखा, नवग्रहों को रहने का, दिक्पालों को रखने का और पंचमहाभूतों को रखने का, इन सभी का मैंने पूर्ण रूप से एक सुंदर स्वर्ग बनाने के लिए कहा था और इसको विश्वकर्मा ने बांधा था। विश्वकर्मा ने बांधने के बाद यह हुआ कि जब जैसे ही तपस्वी होकर मानव सब स्वर्ग को आने लगे, तो वो स्वर्ग अब उनके जनसंख्या बढ़ने के कारण स्वर्ग से हटकर भी लोग रहने लगे, यानी उसकी सीमाएं बढ़ती गई। तब इंद्र ने कहा प्रभु इसका क्या हुआ, तो उन्होंने कहा तेरे को विश्वकर्मा ने जो वास्तु बांध कर दिया था, वो वास्तु पूर्ण ये लोगों के आने से कहीं नैऋत्य कोण में लोग जाके बैठे, कहीं ईशान्य कोण में जाके बैठे, कहीं बैठे, अब जब जब ये लोग मानव ये वहां से आए और स्वर्ग की सीमाएं बढ़ती गई, तब तक कोई ना कोई दोष उसमें निर्माण हुआ, और जैसा निर्माण हुआ तो या तो गुरु से शापित हुआ या से कोई राक्षसों से तेरे को इंद्र सभा से निवृत्ति करवाने बाहर निकालने लगाया गया, तू पदच्युत हुआ, भागता गया भागता फिरा, ये सारी चीजें कब हो रहे हैं, जबकि यहां से लोग आ रहे हैं और सीमा स्वर्गवासी ज्यादा होने के कारण, स्वर्ग की सीमाएं बढ़ने के कारण ये सारे दुख को तुझे भोगना पड़ रहा है। तो ब्रह्मा ने कहा प्रभु इसमें मेरा क्या दोष, आप सब लोग आशीर्वाद देते हो, आपकी आराधना करते हैं, लोग स्वर्ग को आते हैं, स्वर्ग को आते हैं तो उनको जगह नहीं होती तो जगह बढ़ती ही रहती है, मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा ने कहा इसका कोई ना कोई उपाय तो सोचना चाहिए, तू बार बार पदच्युत होता है, बार बार तेरी नौकरी चली जाती है, तेरी स्वर्ग की इंद्र की सभा से तू आगे निकाला जाता है, तेरे से तेरी सारी तेरे सुख सौभाग्य सारे चले जाते हैं, पत्नी देवता ये भी भाग खड़े हो जाते हैं इनके भय से, अप्सराएं भी भाग खड़े हो जाती हैं, अब इसके लिए क्या उपाय करें। तब ब्रह्मा ने कहा कि मैं ये तेरी इंद्र सभा जो है इसमें किसी प्रकार का कोई दोष निर्माण ना हो इसलिए मैं कुछ कार्य करता हूं। तो ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि विश्वकर्मा ये जो सीमा बढ़ रही है इसको और क्यों बढ़ाते नहीं, लोग और आ रहे हैं स्वर्ग में, इनके लिए जो लगा लोग जगह क्यों बनाते नहीं। तो कहा प्रभु आपने जो प्लाट दिया था, यानी आपने जो स्वर्ग के लिए जो जगह दी थी उसमें बांध दिया हूं, अब प्लाट बड़ा करो, मैं उसमें भी बांधता हूं, अब प्लाट बड़ा कहां से हुआ, स्वर्ग में प्लाट बड़ा होने का तो समझता नहीं, लोग तो आ रहे हैं। तब इंद्र ने कहा, विश्वकर्मा ने अपनी बात बताई, इंद्र ने अपनी बात बताई, अब ब्रह्मा में बोले इसके लिए क्या करना चाहिए। तब उन्होंने विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा, तू जो जिसके जिस हिसाब से तूने ये स्वर्ग बनाया है, क्या उसमें और भी लोग आए तो कुछ आगे हमें कुछ करना होता है। प्रभु वो मेरे हाथ मेरे बस की बात नहीं, अब हम भी देखते हैं, हमारे शेष महाराज है, सब लोग वास्तु के महानिपुण पंडित हैं, तुम इनके पास जाओ तो वास्तु के बारे में बता देते हैं, लेकिन गलती क्या करें, गलती क्या होती है, पत्नी कभी कहती है कि यहाँ क्या सो रहे पलंग पे, हवा नहीं आती कुछ नहीं आती, एसी लगाओ, एसी लगाए तो बाद में उसकी हवा जाने के लिए एक और एसी लगाने के लिए, जैसे ही एसी लगाई घर में दरिद्रता आ गई, अरे फिर एसी तो लगानी चाहिए नहीं, खिड़की खोले तो ये वास्तु से दोष है, सीढ़ियां अरे चढ़ने के लिए छोटी सीढ़ियां होंगी बड़ी करो वास्तु दोष हो गया, कहीं खिड़की खोलो वास्तु दोष हो गया, कहीं दरवाजा खोलो वास्तु दोष हो गया, अब छत पे से नहीं आ रहे तो छत पे से सीढ़ियां बनाओ या टेढ़ी सीढ़ियां बनाओ तो वास्तु दोष हो गया, अब वास्तु दोष तो जिए कैसा, बहुत पैसा खर्च करके सब कुछ बनाया लेकिन कोई ये गारंटी दे सकता है क्या तुम्हारे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दोष नहीं होगा और तुम सुखी ही रहोगे, ऐसा कभी नहीं हुआ।
तब ब्रह्मा ने विचार किया कि इसको कितना भी करूं, कितने भी नीचे से स्वर्ग को लोग आए और स्वर्ग बढ़ता रहे, बढ़ा तो नहीं सकते और स्वर्ग में आने के लोगों को रोक नहीं सकते, क्योंकि हमने ही पूजाएं बताई है, हमने ही साधनाएं बताई है और ये साधनाएं करने से तुम्हारे पाप जाते हैं और तुम स्वर्ग को आते हैं, हमने ही बताया, ये तो आने से रहे और ये जाने से रहे और इंद्र हर बार पदच्युत होता ही रहे, दुखों का अनुभव करता ही रहे। तब ब्रह्मा ने कितना भी विश्वकर्मा से पूछने के बाद विश्वकर्मा ने कहा, प्रभु कितना बढ़ाओ तुम, अगर जनसंख्या बढ़ रही तो वो लोग आएंगे ही आएंगे, आएंगे स्वर्ग में तो जगह बढ़ाई बढ़ी और जगह बढ़ेगी तो इंद्र का अपने पदच्युत होते ही जाएंगे, इसके लिए कोई दोष, कितने स्तंभों वाला, कितना सब घर है। इंद्र और ब्रह्मा में वाद संवाद चल रहा था, तब ब्रह्मा बोले आप एक दिन के लिए मुझे छोड़ दो, मैं देखता हूँ कि क्या करना है आगे, इसमें क्या करना है। ब्रह्मा तपस्वी अपना तप करने लगे और ब्रह्मा ने कहा कि इसका दोष किस प्रकार निर्णय कराया जाए, अगर जिस तपस्या के माध्यम से राक्षस तपस्वी होकर इंद्र को हराने आते हैं, इंद्र को निकाल देने आते हैं, तो फिर उस तपस्या का फल अगर इंद्र के पास हो तो इंद्र तो पदच्युत नहीं होगा, इंद्र की तपस्या का फल मिलने के लिए क्या करना चाहिए, इंद्र की तपस्या को उसका फल मिलने के लिए क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा स्वयं ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हम पदच्युत होने या दुखी होने का कारण क्या ढूंढते हैं। बोलते अगर घर की नाभि, घर की नाभि नहीं, घर का सेंटर ठीक हो, अभी हम भी हमारे पास देखते हैं कभी कभी घर का वास्तु, कभी ईशान्य कोण बढ़ जाता है या अब उसका सेंटर कहाँ से निकाले, या तो कोई और दूसरा कोण बढ़ता है, प्लाट टेढ़ा फेढ़ा होता है, उसका सेंटर कहाँ से निकाले, सेंटर नहीं होता, सेंटर मिलता नहीं। उस समय उन सभी लोगों ने कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका निराकरण एक ही हो सकता है। बोले इसका निराकरण हम तीनों, ब्रह्मा विष्णु और महेश, हम तीनों मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो विश्वकर्मा ने कहा और भगवान इंद्र ने कहा, प्रभु हम अगर आप भगवान विष्णु को देखते हैं तो समुद्र में बैठे शेषनाग पर बैठे, क्या वास्तु है वहाँ, अच्छे हैं, सुखी हैं बैठे हुए। जाकर शिव जी को देखते हैं तो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, उनको क्या दुख है, वो योगी से बैठे हुए। सारा दुखी हूँ तो देवताओं का राजा मैं ही हूँ, बार बार दुखी होता हूँ यही कारण है मेरे को, मैं ही दुखी होता हूँ, देवताएं सब अच्छे ही हैं। अब भी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शिव जी को क्या दोष, या समुद्र में बैठे हुए शेषनाग पर सोए विष्णु को क्या दोष है। अगर वैसा देखा जाए ब्रह्मा जो नाभि कमल कमल खिलाए कमल पर बैठे उनको क्या दोष है, उनको वास्तु दोष नहीं, सिर्फ वास्तु दोष इंद्र को ही लगता है। प्रभु अब आप इसका कोई ना कोई निराकरण करें कि हम दुखी ना हो, हमारा है दुख हो ही नहीं, कोई आके तपस्वी तपस्वी आकर छेड़े ही नहीं। अब हमारे पास मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ, गुरु जी घर बांध रहा हूँ, बाजू वाला बहुत सता रहा है, वो वही है कि तेरे को आगे बढ़ने नहीं देता ना पीछे आगे नहीं आने के आने नहीं देता, घर में बैठे हैं तो पैसे कमाने के लिए नौकरी को जाते हैं तो बात सताता है, नहीं तो और दूसरे और धैर्य से सब पैसा जुटा कर अगर कमा भी किए तो या तो चोर लूटता है, नहीं तो आजकल के दूसरे लोग लूट के जाते हैं, नहीं तो दामाद लूटता है नंबर वन, दूसरा और बेटा, ये सारी चीज़ें हैं जो अपने अपने कर्मों के अनुसार अनुभव करना पड़ता है, पत्नी है, बच्चे हैं, दामाद है, बेटी है, सब लूटने वाले हैं नंबर वन, और ये आखिर में क्या कर रहा है, इतना कमा के किसको दिया, जाते गए तो खाली हाथ ही जाता है, इसके साथ कुछ है नहीं। तो इस इन सारे जीवन में ऐसा कब होता है कि जो आदमी अपने आप को सुखी समझे, या कुछ भी कष्ट हो उसको सहने की शक्ति हो, उसको सहने की शक्ति हो, वो सहन करे, ऐसा जब उन्होंने पूछा तो ब्रह्मा ने उनसे कहा कि मैं तेरे स्वर्ग में एक ऐसे यंत्र का निर्माण करके रखता हूं जिसको ब्रह्म उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मा स्वयं अपने उपनिषद में कहते हैं कि एक ब्रह्मांड में मैं ब्रह्मोनिष उपनिषद से उन देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करता हूं, उन देवताओं को रखता हूं जो वास्तु से निर्मित है, उसको ब्रह्म वास्तु दोष निवारण यंत्र कहा गया है, और उसको अगर मैं तेरे स्वर्ग में स्थापन करता हूं तो तू याद रख, जब तक उस स्थापना नाभिमंडल में यानी घर के सेंटर में होगी या घर के ईशान्य कोण में होगी, उस घर में कोई राक्षस आकर या उस घर में ऐसा राक्षस पुत्र भी पैदा नहीं होगा ना, कोई ऐसी राक्षसी बहू भी नहीं आएगी ना राक्षसी सास होगी। ये तो आप पहले अपने अपने छोटे से जीवन में तो अपने लिए यही राक्षस है, यही कष्ट देने वाले ज़्यादा से अपनी पत्नी, अपनी सास, अपने ससुर, अपने दामाद, अपना बेटा, यह हमारे को पहले कष्ट दे, ये तो घर के अंदर की बात होगी, घर के बाहर के शत्रु तो और अलग ही। पहले घर में लक्ष्मी पैसा रहा तो सब लोग पूछने वाले, पैसा नहीं रहा तो कोई पूछने वाले नहीं, तो पैसा टिकते रहे, सर्वस्वी शासक बच्चा मूर्ख ना हो, विद्वान हो, और हम हमारे घर में पैसा आता रहे, पैसा टिकते रहे, और उसको पैसों को लूटने वाले नहीं हो, सब लोग सुखी संसार हो। तो स्वर्ग में अमृत हो, अमृत को उठाने के लिए भी बहुत बार
राक्षस आए और अमृत को अमृत का कलश उठा के लिए। हम अब जो देखते हैं कि 12 वर्ष को एक बार कुंभ जो होता है, राक्षसों के भय से ही बृहस्पति लेकर हर एक नदी में रखते हैं और हम कुंभ मेला को उस अमृत भांड के लिए स्नान के लिए जाते हैं। तो वहाँ वो भी है, अमृत रखे हुए हैं, अपने घर में पैसा रहा तो लूटने वाले आएंगे, तो फिर ये सभी से रक्षा कैसे हो? हर बार हम देखते हैं कोई सिंहस्थ में हुआ, किसी में हुआ, कोई कभी कुंभ मेला गंगा नदी पर आया, कभी नर्मदा नदी पर, कभी गोदावरी नदी पर, ऐसे हम कुंभ मेलाओं को हर नदी पर देखते हैं, जबकि बृहस्पति उसको अमृत भांड को उस आकर उस नदी में रख देते हैं और हम उसको कुंभ कहते हुए उस नदी से स्नान करते हैं जिसमें अमृत भांड रखा हुआ है। तो अमृत भांड को उठाने के भय से भी हम ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो हमारे घर में भी अमृत भांड, या तो अपनी पत्नी अपने बच्चे हैं, या तो फिर पैसा रखा हुआ है, इनको कुछ हो जाए, अपने बच्चे को कोई देखे, कोई छेड़े, कुछ हुआ, वो भी दुख का कारण है, अपने बच्चे को कोई करे, ये भी दुख का कारण, ऐसे दुख अपने को ना आए। इसके लिए क्या करना चाहिए? जब ब्रह्मा ने इंद्र को पूछकर कहा कि मैं ब्रह्मोपनिषद में निर्मित एक वास्तु यंत्र देता हूँ जिसको घर के नाभि में यानी घर के सेंटर में, जहाँ घर का सेंटर नहीं होता वहाँ ईशान्य कोण में, इस यंत्र को रखकर मैं जो कहता हूँ उस मंत्र को तुम 3 रात्रि करो, उसके ऊपर जल चढ़ाओ और अभिषेक करते 3 रात्रि उस मंत्र को करो। करने के बाद उस यंत्र को या तो ईशान्य कोण में या तो घर के नाभि स्थान में रखकर एक बात याद रखना, हर पूर्णिमा के ऊपर उसको केवल जल चढ़ाना जिस मंत्र को मैं बोला हूँ। आप आपके घर में या स्वर्ग से कोई उठा के आपको ले जाने वाला नहीं, आपको नहीं होगा, आपके स्वर्ग से इंद्र तुम्हारे को भी नहीं होगा। जो ब्रह्मोपनिषद में ब्रह्मांड पुराण में सब स्वयं ब्रह्मा ने इंद्र को कहते हुए, विश्वकर्मा को कहते हुए जो इंद्र यंत्र दिया था, वो अपने वास्तु स्थान में, वो वास्तु चाहे अपना घर हो, अपना मंदिर हो, अपना दुकान हो, अपना कोई हो, जहाँ गलती से हमारे वास्तु से कोई मर गया घर में या कोई उठ गया, तो उसका अगर हम सही सदी से शांति नहीं हुई तो भी अपने पास कहते हैं कि ऐसा होता है। तो हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हर एक मनुष्य को किसी न किसी रूप से सताते ही रहते हैं। जब हम कहीं से बाहर से काम करके आए और घर में एक आनंद के साथ सभी अपने बच्चे बहुओं के साथ सबके साथ आनंद के साथ सो जाए तो अपने को लगता है कि घर आया हूँ, नहीं तो हम घर से बाहर बाहर घूमते रहते हैं, क्योंकि घर में गए तो किरकिरी है यार, घर में कुछ ना कुछ बना रहता है। घर एक शांतिप्रद हो, वैसा ही इंद्र को कहते हैं कि इंद्र को तेरी इंद्र सभा, तेरा स्वर्ग शांतिप्रद हो, ऐसा कहा गया। तो इंद्र ने कहा कि वो यंत्र कब तैयार हुआ? ब्रह्मा ने उस यंत्र तैयार करने के लिए विश्वकर्मा को बोला और विश्वकर्मा ने वो यंत्र तैयार किया। जब वो यंत्र तैयार होकर आया तो आके स्वर्ग में इंद्र के साथ बृहस्पति जी ने उसका पूजन करते हुए इंद्र के उसमें स्थापन किया। उसी समय क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद के बाद उनके हुए विरोचन जो आते बलि चक्रवर्ती, ये सारी चीज़ें हिरण्यकश्यपु के साथ तो इंद्र को भगाते ही रहे। बाद के जितने भी राक्षस तपस्वी हुए वो लोगों ने प्रहलाद ने इंद्र को नहीं छुआ, न विरोचन ने छुआ, न बलि चक्रवर्ती की तपस्या इतनी थी, जो भगवान के बारे में बहुत दान करने में भी उतने ही दानी थे और बहुत श्रेष्ठ भी थे, उन्होंने किया। तो उनकी दान की प्रक्रिया सुनकर, उनके तेज को सुनकर ये हुआ कि बलि को किसी भी तरह स्वर्ग देना ही है, इंद्र की पदवी देना ही है। अब इंद्र कहने लगा ये तो बिना झगड़े के इंद्र पदवी ले रहा है, मेरा स्वर्ग छीन ले रहा है, इसके बारे में मैं कैसा, इसके लिए क्या करना है मुझे, क्या करने से ये सारी चीज़ें जाएंगी। इंद्र दुखी हुआ और भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा अब इस बात से तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारी तपस्या करके उस पूर्ण हिरण्यकश्यपु के साथ उस वंश में ब्रह्मा की तपस्या करके उनका वर लिया। वे शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा मैं योग में तपस्या हूँ, अपनी समस्या से समाधान कर सकते हैं, केवल एक विष्णु कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पास, विष्णु कहने लगे अरे प्राप्त करता है तो मैं भी उसे कैसे रोक सकता हूँ। अब इंद्र बोला, घबरा गया, बोला प्रभु अब तक झगड़े से आक्रमण करके स्वर्ग को लूट के गए, अब तपस्या से लूट रहे हैं, अब ये मेरी स्थिति क्या है, इसके लिए क्या करना। इंद्र भगवान विष्णु के पास खड़े हुए तो विष्णु ने कहा देखता हूँ उसके लिए क्या करना है, हम तब तक के अवतार देखते हैं, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह अवतार। भगवान ने कहा वो अगर नॉर्मल बलि चक्रवर्ती नॉर्मल वे में ही कर रहा है तो मैं वामन अवतार में नर अवतार में वहाँ जाऊँ, लेकिन नर अवतार में जाने से पहले उस नर को श्रेष्ठ होना है,
नरमी वो सारी शक्तियाँ आना है जो बड़ी चक्रवर्ती की तपस्या को रोके, तपस्या को अपने अपने ऊपर खींच सके। उस नर को देखने के लिए क्या करना है? तो पहली बार ब्रह्मा के ब्रह्मा ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु कहो उसके लिए। उन्होंने कहा कि मैं संसार में ऐसा पुरुष बनाता हूँ जिसमें सारी शक्तियाँ हों और वह मेरी स्तुति से और भी शक्तिवान हों। तो हम जो आज पुरुष सूक्त पढ़ते हैं वो पहली बार नारायण ने, नारायण ऋषि है, पुरुष सूक्त के ऋषि नारायण है और उसका अनुष्टुप छंद है और उसके देवता पुरुष देवता है, पुरुष वाले देवता को पुरुष देवता कहा गया और उसको पुरुष सूक्त को पहली बार नारायण ने वामन अवतार लेने से पहले अपने अवतार को पुरुष सूक्त की पूजा की थी और यह पूजा करते हुए उस वामन अवतार में वो सारी शक्तियाँ डाली। इसलिए आज भी हम विष्णुवादि देवताओं को अपने पूजा स्थान में विग्रहों को पूजा करते हैं उस समय पुरुष सूक्त पूजा करते हैं जो पहली बार नारायण ने नर रूपी वामन को अपनी इस पूजा के साथ पुरुष सूक्त पूजा की थी और उन्हें वो ताकत दी थी। जब वामन अवतार में नारायण जी इनके पास पहुँचे, बलि के पास पहुँचे, तो उन्होंने कहा मैं तुमसे नमस्कार करता हूँ और मैं कुछ चाहता हूँ आप देने के लिए तैयार। बलि ने कहा जो कुछ भी मांग सकते हो मांगो। बलि को बात उनके बाजू में शुक्राचार्य उनके गुरु खड़े थे और उनको पता चला कि कोई नहीं और है, नारायण है, फंसाने के लिए आए हैं। तुम याद रखो बलि, तुम मेरी बात सुनो, वो नारायण है, तुम्हें कुछ ना कुछ फंसाने के लिए आए हैं। तो नारायण ने कहा हे बलि चक्रवर्ती, तुम दान में तो श्रेष्ठ कहलाए जाते हो, मैं दान में तुम्हें जो कुछ मांगूंगा तुम देने के लिए तैयार हो। तो उन्होंने कहा मैं देने आपको दान के लिए मेरे पास कोई आए बटु आए, आप ब्राह्मण के रूप में, नर के रूप में, पुरुष के रूप में आए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग की भूमि चाहिए, 3 पग की यानी 3 पांव रखे ऐसा ऐसी ऐसी भूमि चाहिए। उन्होंने पहला बलि से पूछा गया तो बलि कहते हैं तीसरा पग उन्होंने सर पर रखा और सर के इंद्र की वह अभिलाषा पूर्ण की कि वो इंद्रपद को न प्राप्त हो। लेकिन उनके भक्ति को देखकर, उनके दान को देखकर भगवान विष्णु कहते हैं कि उन्होंने वामन अवतार को जब अपना रूप छोटा सा रूप धारण किया और कहा बलि आज तुझको नीचे के लोग देता हूँ, एक वजन मनंतर आएगा उसके बाद में तुझे इंद्रपदवी सौंप दूंगा, तब इंद्र नीचे के इंद्रपदवी को लिए सप्तलोक को जाएगा और तुझे इंद्रपदवी दूंगा क्योंकि तुझे तपस्या की है। मैं बार बार तुम्हें कहता हूँ तपस्या का फल खाली नहीं जाता, जो साधना करते हैं उसका फल आज नहीं तो कल तुम्हें मिला, जीवन भर वो फल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम चाहे कितने जन्म भी ले लो। साधना एक करते हैं ये सारी बातें मेरे परम पुत्र सद्गुरुदेव जी ने जो साधना मार्ग अपना कर सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की थी, सिद्धाश्रम हो या स्वर्ग हो या और कुछ पुण्य का कार्य हो, केवल साधना के बल पर, तपस्या के बल पर भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, देवताओं को मजबूर कर सकते हैं कि तुम मेरे तपस्या का फल दो और वो साधना के मार्ग के माध्यम से हो सकता है। और ये साधना का मार्ग चाहे कुछ भी हो देवता भी उसको कोई रोक नहीं सकते कि तुम्हारे साधना फल को और तुमने साधना निष्ठा के साथ की है। बलि चक्रवर्ती ने यही साधना संपन्न की थी और उन्होंने जो इंद्रपद की साधना के बदले प्राप्त करने थे विष्णु भगवान को उनको देना ही पड़ा। इस अगले मन में करने में मुझे इंद्रपदी दूंगा, स्वर्ग का श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाऊंगा। तब फिर इंद्र भगवान ब्रह्मा के पास गए, प्रभु आपके इंद्र ने काम किया, बलि चक्रवर्ती को पाताल लोक में स्थान दे दिया और मैं मेरे स्वर्ग में इसी प्रकार रहा, मैं सुखी हूं। इतने संकट में भी उन्होंने जब इस यंत्र की महत्ता का बात करके ब्रह्मा को कहा, तब ब्रह्मा कहते हैं कि प्रभु मैं मुझे एक बात का पता नहीं चला कि भगवान विष्णु ने तो 3 पग रखे, 3 पग में एक उधर गया एक और क्या रहा। तो विशेषूत्र में लिखा हुआ है अत्यंत अंगुलम, प्रभु ने अपने 3 पग रखते हुए 10 अंगुल शून्य छोड़ दिया था, बाकी सब वो नाप गए थे। इसका मतलब होता है कि मैं 10 अंगुल शून्य में शून्य को छोड़कर मैंने मेरे पाँव को रखा है, इसीलिए तुझे भी कहता हूँ मेरा ये यंत्र जहाँ स्थापन होता है वहाँ के 10 अंगुल तक तेरे ऊपर कुछ भी नहीं होता। उसमें इस पुरुष सूक्त में कहा है मैं जितना बढ़ा उतने बड़े में 3 पग हुआ तो उसके अत्राफ में शून्य में 10 अंगुल मैंने छोड़कर शून्य को भर किया है और जिसके पास ये वास्तु यंत्र है वास्तु यंत्र को रखा जाएगा उसके 10 अंगुल दूर तक किसी प्रकार का कोई भाव कोई दुष्प्रभाव यहाँ नहीं हुआ। वो एक छोटी सी साधना ब्रह्मा ने
विश्वकर्मा को बताई थी, विश्वकर्मा ने इंद्र को बताई थी और इंद्र ने आपको बताई थी। ये साधना आज तक नहीं है, कितने भी वास्तु पंडित हो मैं उनको पूर्ण विशेषता के साथ कहता हूँ। ये यंत्र बनाने के लिए मुझे समय लगा हुआ होगा और मैं समझता हूँ बहुत कम बनाया हूँ, लेकिन कोई भी वास्तु ब्रह्मा इस कर्म को जो शरीर को स्थापित करके जिस घर में इस यंत्र को इस मंत्र को ऐसा ही वास्तु यंत्र जो स्वर्ग के इंद्र को दिया था ऐसा ही यंत्र मैंने तैयार किया है। लेकिन आपको कहता हूँ इतने बहुत कम समय इसे ढूंढने के लिए निकालने के लिए बहुत समय लगा। ये कब मुझे इसके इसका पता चला कि मैं एक छोटा सा प्रश्न हमारे शेषु महाराज और उदय महाराज को पूछा था कि संसार में पहली बार किसने पुरुष सूक्त किस देवता की पूजा करते हुए कहा और कब कहा। ये पुरुष सूक्त में पहले 10वें मंडल में और 9वें अध्याय में ये पुरुष सूक्त के 10 सूक्त है, बाकी के यजुर्वेद में और सामवेद में लेकर पूर्ण पुरुष सूक्त बनाए जिसको पुरुष को पुरुष के साथ पूजा करने को पुरुष देवता जितने भी है इसको पुरुष सूक्त के साथ पूजा की जाती है। और इसकी पहली पूजा भगवान विष्णु ने स्वयं नारायण ही इसके ऋषि है उन्होंने वामन अवतार में जन्म लेते हुए करें, क्योंकि आपने देखा है पहला अवतार मत्स्य था, कूर्म था, वराह था, नरसिंह था, बाद में वामन पुरुष अवतार हुआ, एक पुरुष के अवतार में विष्णु भगवान आए उस समय पुरुष सूक्त के साथ पूजा की थी। और वो पुरुष सूक्त में ही ये लिखा हुआ है कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को नापा, पृथ्वी को भी उससे उन दुखों से निवारण किया भगवान ने अपना पांव रखकर, तो उस तत्व को जहाँ रखा है उस समय भगवान नारायण ने जो यंत्र तैयार किया था जो ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को पूछकर तैयार किया था ऐसा ही ये ब्रह्म यंत्र जो भी वास्तु पुरुष जो भी वास्तु के डर से अपने घर मंदिर अपना बिजनेस अपना कोई भी व्यापार इसमें दुखी हैं मैं उसको सिद्ध करके देता हूँ। आप वो ब्रह्मा मंडल का वास्तु यंत्र ला लो अभी देता हूँ आपके घर में मंडल में स्कूल में जो भी आपका व्यापार है आप कहीं भी स्थापन करो आप उन दुखों से जाएंगे। वो मंत्र भी ब्रह्मा का दिया हुआ विश्वकर्मा का दिया हुआ है और भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम के साथ साथ इस यंत्र को ब्रह्मा के साथ सिद्ध करके दिया था। आज वही ब्रह्मोपनिषद वाला ब्रह्म वास्तु मंडल का यंत्र मैं आपको प्रदान करता हूँ। आपकी इच्छा हो तो जिसको वास्तु दोष का अपने घर में दुखी होने का ये है। और ये बात याद रखो जिस घर में बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं गुरु जी हमारे घर में धन गड़ा हुआ है हमारे घर में या हमारे खेत में धन गड़ा हुआ है ऐसा ही ये लोग कहते हैं ये इस यंत्र के स्थापना करने के बाद निश्चित रूप से अगर वैसा कोई है या तुम्हारे घर में भूत प्रेत पिशाच है या तुम्हारे घर में धन गड़ा हुआ है इसका ज्ञान केवल 11 दिन में ब्रह्मा दे देते हैं कि तुम्हारे घर में ये दोष है इस दोष को इससे निवारण करो तुम्हारा काम हो जाएगा। यह यंत्र जो भी अपने घर में धारण करते हैं ऐसे दोषों का निवारण जरूर होता है और घर में संतति नहीं हो रही कोई पितृदोष है तो यंत्र धारण करने के बाद स्वप्न में स्वयं विश्वकर्मा बोलते हैं कि तुम्हें इस दोष से तुम्हारे घर में यह कष्ट पहुंच रहा है। आप वास्तु चाहे किराए के घर में रहो चाहे घर खुद के घर में रहो चाहे व्यापार रहो चाहे और कुछ भी रहो जहाँ आपका व्यापार आरंभ नहीं हो रहा है या आपको व्यापार बंद पड़ा है या व्यापार नहीं हो रहा है या आपके किसी में भी त्रास हो रहा है कष्ट हो रहा है तो आपको इस यंत्र की स्थापना से केवल 11 दिन में मंत्र करने के कारण आपको उसका पता चल जाएगा कि क्या दोष है किस दोष से वो दोष निवारण होते हुए आपके घर में सुख शांति होगी। गड़ा हुआ धन भी इस यंत्र से बाहर आता है ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा क्योंकि पृथ्वी पर तीसरा पद रखने वाले विष्णु ने अपने लक्ष्मी युक्त तन को वहां रखा था और कहा था कि मैं तुम्हारे उसका ज्ञान तुम्हें प्रदान करूंगा। ऐसा ही यंत्र ब्रह्म वास्तु दोष निवारण यंत्र ब्रह्म वास्तु निवारण है जो भी चाहते हैं वो ले लेके आए मैं उसको आपको उपदेश करते हुए उसका यंत्र को प्राण निष्ठा करते हुए आपको देता हूँ और माला यही संपूर्ण करेंगे जो जिनकी इच्छा है वे जाकर आए ये कराए मैं सतीश भजन।